नमस्कार दोस्तों, एबी माइंड ट्रेनिंग सेंटर की तरफ से मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज के इस वीडियो में जो मैं बात आपको बताने वाला हूं, जो आपका कंपल्शन खत्म करने वाला हूं, अगर उस फॉर्मूले को आप अप्लाई कर लेते हो 100% आपकी ओसीडी खत्म हो जाएगी। आज एक ऐसा सॉलिड फॉर्मूला मैं आपको दूंगा और बताऊंगा यही कि कैसे आपने करना है, किस तरीके से होगा, और आप उस फॉर्मूले को अप्लाई कर लोगे, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। पूरा वीडियो देखो और उसके बाद में इसको अप्लाई करना। चलिए आज की इस वीडियो में हम समझते हैं। आज इस वीडियो में मैं आपको सीधा बताऊंगा। फॉर एग्जांपल कंटेमिनेशन ओसीडी का ले लेते हैं। कंटेमिनेशन ओसीडी के अंदर क्या होता है कि आपको ऐसा लग रहा है कि यहाँ छींटा लग गया होगा, यहाँ छींटा लग गया होगा, मुझे हाथ धोना है, मुझे हाथ धोना है, मुझे हाथ धोना है। आप हाथ धोने के लिए जा रहे हो, ठीक है। अब आप जैसे ही वॉश बेसिन के पास में गए तो वहां अब आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे हाथ धोना है। और बहुत सारे जो कंटेमिनेशन ओसीडी के सफरर होते हैं उनको मैं बोलता हूं कि हाथ धोना है तो नॉर्मल तरीके से आप धो लो, जैसे सामान्य लोग जिस तरीके से धो रहे हैं वैसे धो लो। नहीं, हमें तो यहां तक हाथ धोना है, यहां तक हाथ धोना है, ऐसा धोना है। अच्छा, आप हाथ धोने के लिए गए, आप हाथ धो रहे हो, ऐसा लगाया, साबुन लगाया, लगाया आपने, धोया। अब आपके दिमाग में क्या आया, यहां छींटा लगा होगा, यहां लगा होगा, यहां लगा होगा, चलो क्या करते हैं, यहां भी साबुन लगाते हैं, यहां ऐसा करते हैं, ऐसा ऐसा करके धोते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर बात को समझिए। पहली बात तो ये है कि इसके अंदर सच्चाई नहीं है कि यहां छींटा लगा होगा। इसका हमने प्रूफ दिया है ना आपको, बहुत सारे वीडियोस में बहुत बार मैं बोलता हूं कि ये प्रूफ है कि छींटे से गंदगी नहीं फैलती। आपके पास में वह ज्ञान है और उसको आप सोच भी लेते हो, परंतु आप बोलते हो कि नहीं, मुझे हाथ को धोना है, अगर मैं नहीं धोऊंगा मुझे घबराहट होगी, बेचैनी होगी, इससे अच्छा मैं धोकर इसको खत्म ही कर दूं। नहीं, ये गलती कर रहे हो आप। कंपल्शन को टूटने का मौका तो आप दे ही नहीं रहे, उसको तो आप बढ़ावा दे रहे हो। ओसीडी माइंड ने जो बोला है कि तेरे को यहां तक हाथ धोना है तो आप तो धो रहे हो। ओसीडी ब्रेक कहां से होगी इसमें, कंपल्शन की तो बात सारी मान रहे हो ना। ओसीडी थॉट जो आपको बोल रहे हैं कि हाँ ऐसा करना है, आप कर रहे हो। नहीं, ब्रेक करो इस चीज। आप जब ऐसा हाथ धो रहे हो तो अपने आप से सवाल पूछो कि मुझे यहां तक हाथ क्यों धोना है। आपके दिमाग में कोई ना कोई विचार सुझाव तो आता ही होगा कि आपको यहां हाथ इसलिए धोना है क्योंकि यहां पे छींटा लगा होगा। ठीक है, मुझे छींटे का प्रूफ दिया गया है कि छींटे के अंदर गंदगी नहीं होती, दूसरी बात छींटा लगा नहीं है, फिर मुझे हाथ क्यों धोना है। अब यहां तक बात पहुंचती नहीं है, यहां तक बात नहीं पहुंचती, बात उससे पहले ही रुक जाती है कि यहाँ छींटा लगा है, गंदगी है, हो सकता है गंदगी लगी हो, जाने अनजाने मुझे पता ना चला हो, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ये वो, चलो धो लेते हैं। अब ये समस्या आपकी खत्म हो गई। अब बाहर आकर आप वहां से बोलते हो कि मुझे तो अपनी ओसीडी को खत्म करना है, मैं क्या करूं, मुझे तो ओसीडी के विचार में सच्चाई दिखती है, ओसीडी का विचार को अगर मैं नहीं मानता हूं या मानती हूं तो मुझे तो घबराहट होती है, तो घबराहट होती है तो उसके लिए फॉर्मूला जो दिया गया है उसको प्रयोग करो, जो एफर्मेशन दी गई है उसको प्रयोग करो, और उसके बाद में आपका जो ब्रेक है ना ओसीडी कंपल्शन का, वो यहीं से होगा कि आपके मन में आया कि मुझे हाथ धोना है, धो लिया, मुझे यहां तक हाथ धोना है, क्यों धोना है, इसके लिए क्या प्रूफ है कि यहां गंदगी लगी होगी, इसको समझो आप बात। अगर मैं हाथ को धो लेता हूं या धो लेती हूं तो क्या होगा, बस घबराहट नहीं होगी, और अगर धो लिया तो समस्या तो बढ़ेगी ना, आगे घटी तो नहीं है ये। अब समझो इस बात को, यहीं पे ही सारा खेल अटका हुआ है, समझो इस बात को, मैं फिर बोल रहा हूं, यही समझ लो इसको, खेल सारा यहीं फंसा हुआ है। क्या कि यहां से आगे बढ़ी नहीं रही है बात, हम कंपल्शन को तो तोड़ ही नहीं रहे हैं,
वो तो ज्यों का त्यों बना हुआ है और हम बोल रहे हैं कि हम तो ओसीडी को ठीक करने के लिए एफर्ट डाल रहे हैं। क्या एफर्ट डाल रहे हैं? ये एफर्ट डाल रहे हैं कि हाथ धो रहे हैं, थॉट आया हाथ धोने, धो दिया, नहीं धोएंगे बेचैनी होगी, कौन इस समस्या से ऐसे ग्रसित रहे, इतनी देर घबराहट होने से अच्छा हाथ पैर धोकर कपड़े चेंज करके बैठ जाऊं, ये सॉल्यूशन हो गया, ये प्रॉब्लम को बढ़ावा हो गया ना, और मिल गया ना बढ़ावा, खत्म नहीं हुई ये समस्या, ये बड़ी है। मैं यही समझाना चाह रहा हूं कि इसको यहां खत्म करिए, इसको हाथ क्यों धोना है, और धो भी लिया तो क्या हो जाएगा, और नहीं भी धोया तो क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होने वाला, कुछ भी नहीं होने वाला, ये एक पूरा वहम है। और ओसीडी सफरर जब मेरे से बात करते हैं, ऑफलाइन का ऑनलाइन का बता रहा हूं, तो उनको सबसे पहले हम प्रूफ दे देते हैं कि ये ऐसे करके ऐसा हुआ है और ये ऐसे करके ऐसा होता है। प्रूफ है? हाँ जी है। मान लिया? हाँ जी मान लिया। स्वीकार नहीं हो रहा, प्रॉब्लम वहां तक कुछ नहीं थी, स्वीकार नहीं हो रहा। क्या हम, आपने तो प्रूफ दे दिया, हमने ले लिया। सफरर बोलता है आपने प्रूफ दिया हमने लिया, स्वीकार नहीं हो रहा। स्वीकार कौन करेगा? आपकी जगह हम करने से रहे, आपको स्वीकार करना पड़ेगा। इसलिए तो बोलता हूं ना कि ओसीडी का जो सर्कल चला रहा है ना, उसको ब्रेक तो करने की कोशिश करो। आप सोचते हो कल हाथ बिल्कुल नहीं धोऊंगा, आज आज धो लेने दो, आज आज जो एंग्जाइटी हो रही है उसको ठीक हो लेने दो, आज आज अब कर लेने दो, कल नहीं करूंगा, ये ऐसा कर दूंगा, मैं वैसा कर दूंगा, और वो कल कभी नहीं आता। समस्या यहां बढ़ रही है आपकी, समझिए इस बात को। मैं आपको यही कहना चाहता हूं कि आप अपने कंपल्शन को वहीं का वहीं खत्म करें कि ये अब यहां से आगे नहीं बढ़ेगा, इसको मैंने अब यहां से आगे नहीं बढ़ने देना है, मैं इसको यहीं का यहीं खत्म करूंगा या करूंगी, और उसको आप वहीं का वहीं खत्म करें। जितना जल्दी आप इसको वहां खत्म कर दोगे, उतना जल्दी आप ओसीडी से बाहर निकलोगे। ये एक छोटी सी उलझन ही तो है यहाँ पे, ये अगर आपने यहाँ से सॉल्व कर ली ना, तो सारा आपका जो ओसीडी की वजह से पैटर्न खराब हुआ है ना माइंड का, वो सब एकदम से ठीक हो जाएगा। समझ लो इस बात को, अप्लाई करो आप।